नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। उदयपुर की खूबसूरती दुनिया में मशहूर है। यहाँ न जाने कहाँ कहाँ से पर्यटक झीलों को, पहाड़ों को, नैसर्गिक सुंदरता को निहारने आते हैं और यहाँ की यादों को, खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करके भी ले जाते हैं। झीलों का आकर्षण कुछ ऐसा है कि क्या कहें। बाहर से आए पर्यटक को तो छोड़ दीजिए, शहरवासी भी अगर थोड़े दिन झील किनारे अगर नहीं आते हैं तो कुछ मिस हो गया ऐसा लगता है। आसपास रहने वाले तो जैसे भाग्यशाली समझें अपने आप को कि जब जी करे आ सकते हैं, जब मन करे सैर कर सकते हैं शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में। सुबह और शाम की सैर, वाह क्या कहने। लेकिन वहीं हमारे कुछ शहरवासी ऐसे भी हैं जिनमें दिमाग की जरा कमी है, क्योंकि उन्हें ऐसे काम करने होते हैं जो वहां करने की इजाजत नहीं है। जैसे कल शाम का वाकया ले लीजिए। फतेह सागर की पाल पर अब वाहन आगे रखकर आपको पैदल ही घूमना होता है पूरी पाल पर, क्योंकि यहाँ नो व्हीकल जोन कर दिया गया है ताकि यहाँ जनता जो है वो शांति से सैर कर पाए, घूम पाए, बैठ पाए, बच्चे और बुजुर्ग सेफ फील कर पाए। लेकिन नहीं, ये कुछ सिर्फ रोको कहाँ रास आता है, उन्हें करनी है उठपटांग, उल जुलूल हरकतें। जैसे कल शाम को, यानी गुरुवार की शाम को, पाल पर तीन लड़के दुपहिया लेकर पाल पर चढ़ गए। पाल पर इन्होंने तेज गति में बाइक दौड़ाई और वहां पर कई लोग मौजूद थे लेकिन सब देखते रहे। यहां तक कि वहां होमगार्ड के जवान भी मौजूद थे लेकिन उसने भी इन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई, वो भी देखते रहे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने, ये सिर्फ ये तीन युवक वहां पाल पर फर्राटे भरते रहे बेरोक टोक, कोई टेंशन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कहने वाला नहीं। कितनी अजीब बात है ना, इतने सुंदर और बड़े शहर में रहते हैं लेकिन सिविक सेंस के नाम पर जीरो। नियमों की धज्जियां उड़ाना इन्हें कूल लगता है, कोई क्यों रोके। क्या हांकने से ही समझ आती है बात। यूं पाल पर बाइक लेकर फर्राटे मारना आपके लिए एडवेंचर हो सकता है लेकिन वहां घूम रहे किसी बच्चे, बड़े या बुजुर्ग को चोट लग जाए, टक्कर लग जाए, देन ब्रो इट्स नॉट कूल, इट्स इडियोटिक। समझे, हर बार कोई टोकेगा रोकेगा तो ही मानोगे। बाकी नियमों को ताक पर रखने की कसम खाई है। आप जैसे लोग जब विदेशों में जाते हैं ना तो एकदम सूत सावल में चलते हैं, क्योंकि वहां ऐसे नियम तोड़ने पर कड़ी सजा मिलती है और तुरंत कार्रवाई होती है। तीन युवक में से एक का भी जमीर नहीं जागा, एक को भी यह एहसास नहीं हुआ कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। पूरा शहर पड़ा है, चलाइए जहां मन करे, जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन जहां मना है वहां करना नियमों की अवहेलना है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जो है वो बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ये सही है नहीं है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।